has a message about why you should not leave your country, why you should be in your country, and what happens when you go out and you stay illegally. So all that thing is there, and how people come together to help this cause. So that's the little message, but with heavy duty dancing and a lot of entertainment. Yeah. Thank you, sir. That's amazing. That's a subject which has never been touched before. That's very beautiful of you, sir, to think of it. My next question is for the producer of our movie, Ms. Lizelle, ma'am. And ma'am, how does it feel to wear the hat of a producer? How is the feeling? I don't know. It's just excited. That's it. सलमान सर, सर आपका तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं सर. सो एनी मैसेज फॉर हैदराबाद? फॉर हैदराबाद, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू टू द एंटायर मीडिया के पता चला कि आप लोग काफ़ी देर से रुके हुए, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सो मच पेशेंस. एंड यार, आई लव हैदराबाद. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम हैदराबाद. बैगमपेट से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. एंड बस ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मैं जब भी शूट के लिए आता हूँ, कुछ भी आता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड कर पाता हूँ यहाँ पे. पर मैं जब भी आता हूँ, आई मेक श्योर इट्स माई चीट डे, और यहाँ पे बहुत सारी बिरयानी हलीम ज़रूर खा के जाता हूँ मैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो टुडे. Yeah, and we would love to host you, sir. Oh, thank you so much. और यारों, क्या पीछे से आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, ये हुई ना बात, तब से मुझे लगा कि क्या इतना सन्नाटा क्यों छाया भाई. अच्छा, आज नहीं खाए क्या बिरयानी बिरयानी कुछ? हाँ, या सुबह में पाया नहीं खाए? खाए ना? हाँ, तो दिखाओ ना ज़रा फिर एनर्जी. ये बात. Thank you, sir. And sir, what is your feeling about this movie, sir? How do you feel about it? I feel young with them. Because of them, I feel young. And the energy they gave in the set, and it's like a holiday. I mean, for them it's holiday, for me it's like a exam. Because to dance with these people, it's very, very tough. If you leave, the concentration has to be like 200%. Even if you leave for 1 second like that, they'll eat you and go. It was, for me it was tough, but I enjoyed it. Sushant sir, how was the entire journey, sir, all along the movie, and what would you like to say about it? So my journey was, first I will say thank you so much for calling us here. And mera journey thoda different tha. Main bahut blessed samajhta hu khud ko ki yahan pe baithne ke liye, kyunki inke sath baithna utna main samajhta nahi hu ki main utna matlab kamyab hua hu ya fir wajood hai mera ki main inke sath baithu, but kyunki ek god of dance hai aur ek mere god father hai. एंड वही ब्लेसिंग समझता हूँ कि इनके साथ काम करना, इनके साथ बैठना उठना, और चाहता हूँ कि और आगे बढ़ूँ, और बस आप लोग का प्यार चाहो. थैंक यू. डेफिनेटली, एंड दैट्स व्हाट हिज इनोसेंस इज ऑल अबाउट. बट ओवरऑल अ ब्यूटीफुल वाइब, एंड मतलब बोलने की बात नहीं है, इट्स लाइक फैमिली जहाँ पे वी गेट टुगेदर. घर पे बैठ के रेमो सर कुछ समझाते हैं, वही चीज़ शूट में लाइट और कैमरा लग गई और हम लोग बात कर रहे हैं और शूट हो जाता है. एंड लिजेल मैम है जो आज बहुत अच्छी दिख रही है, एक बार जोरदार ताली लिजेल मैम के लिए यार. मतलब सही मायने में प्रोड्यूसर है वो, डांसिंग क्वीन, डांसिंग प्रोड्यूसर जो खुद नहीं नाचती, हमें नचाती है. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दैट यू गाइज कीप गिविंग अस द लव दैट यू हैव गिवन, एंड आई होप यू गाइज अप्रिशिएट द मूवी एंड द हार्ड वर्क दैट ऑल ऑफ अस हैव पुट इन विद आवर हार्ट एंड सोल. एंड थैंक यू सो मच. निकलता है और जैसे वो आपको दिखता है टीवी पे, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है. एंड सेट पे भी वैसे रहता है, उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत मस्ती करता है. एंड लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी मस्ती करता है. एंड धर्मेश ऑफकोर्स मिसिंग है हमारे इसमें से, बहुत ही शांत, लेकिन वो भी बहुत मस्ती करता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही मस्ती करता है जितना राघव है. राघव का दिखता है, उसका नहीं दिखता. बट दोनों मिसिंग है. राघव भी आने वाला था कल रात को, बहुत हमारे साथ शूट कर रहा था, ही वॉज नॉट वेल, बहुत बुखार है उसको, तो इसलिए उसको छोड़ दिया, नहीं तो वो यहाँ पे होता हमारे साथ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू. एंड मीडिया क्वेश्चन आंसर्स, वी आर ओपन नाउ. सो ऑल्सो रिलीजिंग इन तेलुगु एंड तमिल. एंड जस्ट नाउ सलमान स्पोक अबाउट हिज एक्सपीरियंस बीइंग इन हैदराबाद. सो आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आज
एक्चुअली यहाँ पे यादें तीन लोग हैं, रेमो सर है, मैं हूँ और सुशांत भाई है. रेमो सर एक संगीत हुआ था बहुत बड़ा, वो रेमो सर ने कोरियोग्राफ किया था टीवी के सर का, एंड मैं और सुशांत भाई असिस्ट कर रहे थे. सो वी एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, वी वर हियर फॉर क्वाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक्चुअली मैं और सुशांत भाई, और हम लोगों ने बहुत सारे रिहर्सल्स कराए, डांसिंग कराए, बहुत सारा ट्रैवल किया है. सो वी एक्चुअली हैव अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ ट्रेनिंग द एंटायर जीवीके फैमिली. मेरा एक्सपीरियंस तभी भी बहुत अच्छा था, और अभी आई थिंक मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं बिरयानी कभी खाऊँ. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, बाकी सब तो होते ही रहेगा. एंड यस, क्या आपको भी पता है बाकी सब तो ऑब्वियसली होते रहेगा, बट सीरियसली क्योंकि डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पे लाया, मैं सीरियसली बहुत भूखा हूँ और बिरयानी का वेट कर रहा हूँ. అందరికి నమస్కారం. నమస్కారం సార్. నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంటే పుట్టలేదు, అంతే పెరిగింది అంతా ఇక్కడే కదా, అందరికి తెలుసు. बहुत आता जाता हूँ यहाँ पे, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पे, एंड बहुत ही मतलब इट्स लाइक बॉम्बे में जिस तरीके से मैं रहता हूँ, और जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे उतना ही वैसी फीलिंग आती है जैसे कि मैं वहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं. और यस, खाना ऑफकोर्स सभी बोल रहे हैं, ऑफकोर्स बिरयानी हलीम, हम लोग वो गाड़ी में जाके हम लोग विच इज़ दैट प्लेस विच इज़ वेरी फेमस पैराडाइज, या ऑफकोर्स हम लोग वहाँ, मेरे दोस्त हर टाइम मुझे लेके जाते हैं. और एक बार मैं यहाँ पे आया था रमज़ान के वक्त जी, तो उस वक्त तो कमाल का फील होता है यहाँ पे, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू कम हियर टू ईट एक्चुअली, क्योंकि मज़ेदार खाना होता है. वैसे भी हर टाइम मिलता है, लेकिन ऑफकोर्स हैदराबाद इज़ बीन लाइक अ ऑलमोस्ट लाइक अ होम टू मी. तो सर, मैम को खिलाई यहाँ की बिरयानी आपने, मैम आपने हैदराबाद अभी फिलहाल वेट लॉस के जोन में है, इसलिए मेरे ख्याल से ये नहीं खाएंगे, लेकिन हम सब खाने वाले हैं. बट मैम, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे हैदराबाद के बारे में. मैम, एज यू सेड, आई एम ऑन अ डाइट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट, बट आई डोंट नो व्हाट आई ईट. एंड प्राची टोल्ड मी दैट देयर इज अ ह्यूज आइकिया स्टोर. Yes. So right now, my mind is there. I want to go there. Awesome. So Salman sir, ab aap. यार मेरा हैदराबाद से कनेक्शन पता है कौन सी फिल्म से है? कौन सी? 25 साल से चार मीनार के पास बैठे हो, बैगन में मिला दिया, देखो मेरी इज्जत तुम्हें लगा. तो मेरा कनेक्शन उस फिल्म से है. अब तक एंड आई लव यहाँ का दखनी लैंग्वेज, आई लव द पीपल हियर. आई थिंक द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द place is not the place, it's the people, and I love the people here. Similarity sirf ek hai, baki sab difference hai. Jo similarity wo bata deta hu ji, iske sari cast ji same hai ji, otherwise baki sab different hai. Okay. All right, next question. Good afternoon everyone, I'm Shikha from the New Indian Express. My Hello, question Shikha. Is to Remo sir. I would like to ask you that what's the surprising element in this film, and what was the most challenging part of your script into bringing that script into life, the story into life, in aspects of creativity, ideation process or productivity, or maybe the confidence of the cast? See, this is the third part, and whenever you make a franchise, this thing, if you're making a dance film, this is the third dance film. And it's already been 3 times challenging for me, because एक हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे में और क्या दिखाओगे आप. तो वो दिखाना, उस लेवल पे डांसिंग लेके जाना, उस लेवल पे एक्टर्स को मेहनत करना, सबके लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि एवरीवन लाइक अभी प्रभु सर ने कहा कि ये भी जब भी आते थे सेट पे तो इनको भी चैलेंजिंग लगता था. तो फॉर मी ऑल्सो टू गेट दैट स्क्रिप्ट इन टू लाइफ, एंड वो जो मैसेज भी डालना था तो उसको करना एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन जिस तरीके से पूरी बन के आई है, एंड जो अभी मैंने देखी है उसको देख के बहुत सैटिस्फाइंग लगता है कि हाँ यार, कुछ अलग किया है इस बार, और बहुत कुछ सरप्राइजिंग मिलेगा आपको इस फिल्म में. I'll have a second question to Salman's Puneet sir. My question is to Puneet sir that can you please describe your reality show experience from a dancer, and now you have also judged Dance Plus. So can you please describe that experience for us? Oh, actually physically if you see, it's just 10 to 15 steps from a contestant, where that contestant is standing to a judge. But actually those 10 to 15 steps take a lot of hard work.
lot of determination, lot of passion, and lot of sleepless nights. And I just want to say thank you because, like to start with, Remo sir thought that I'm capable, including me, Dharmesh, and everyone out there, that we are capable to judge, and also the audience to accept us. But I feel blessed. I feel lucky that I have got this opportunity, this life where actually I can earn and make my name, which is my life, which is dance. तो बहुत लोगों का हॉबी होता है और काम कुछ अलग होता है. हम सब लकी है कि हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ जो हमारी हॉबी है जो हमारा प्यार है डांस वही होता है. सो या आई थिंक वी ऑल आर लकी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक द किड्स हु हैड परफॉर्म्ड हियर. थैंक यू सो मच गाइज एंड आई एम श्योर हाउ इट मस्ट बी डन वेरी लास्ट मिनट इधर उधर देख के हो रहा था बट इट्स द लव दैट यू हैड. थैंक यू सो मच. अ बिग चीयर फॉर यू गाइज. या थैंक यू सो मच सर. माय लास्ट क्वेश्चन इज टू सलमान सर. I would like to ask you to describe an interesting anecdote from the set of your film and in association with Varun sir and Shraddha ma'am, any kind of a funny incident that you would like, that's memorable for you. Yeah, the entire film has been a memory for us. Everything from London to Dubai to Mumbai. Aisa koi ek din nahi gaya jisme humne masti nahi ki ho, jisme koi pranks nahi kiye ho. So I can't really specify one single moment for you. Pura to tha, pura hi to maze ki hansi hansi khushi mein maze maze mein nikal gaya bhai. इतनी भी मतलब मजे नहीं मतलब देयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस आल्सो फॉर द फैक्ट दैट मुकाबला इज कम आफ्टर 24 इयर्स एंड वी आर डांसिंग विद प्रभु सर. प्रभु सर वाज वेरी हम्बल बाय सेइंग के इनको स्ट्रेस था. इनको स्ट्रेस नहीं था बॉस. लेजेंड के साथ में खड़े रहकर डांस करना हमें हमारी जो फट रही थी ना लिटरली जिसे कहते फटना वो हमको पता है. वी वर जस्ट लाइक ट्राइंग टू बी लाइक गुड एक्टर्स एंड ट्राइंग टू शो द फेस ऑफ कॉन्फिडेंस बट दिस मैन इज मैजिक. एंड इफ यू सी द हुक स्टेप the effort that Prabhu sir is putting is zero and everyone else is putting 1000%. Phir bhi nazar sirf Prabhu sir pe rehti hai. That's how great he is. Competing, directors competing. So being from the choreography industry, all of you, don't you feel competition? If yes, how do you work together facing it with a healthy competition? Well, I suppose competition is in every genre, in every field out here. But what let me say about myself. What keeps me sane is just concentrating on myself and not looking who's doing what and what are they doing and what are the achievements. The more I keep working on myself, the more I'm content with myself, I find peace. So I think that's the way. And I think this collaboration has been for a decade now. We've known each other for a decade. So it's more than competing, it's family. And we understand each other so well. So there's an unsaid comfort when we are around each other. And that exact chemistry, you'll be able to see it on screen. And that's what works magic for us. I want Mr. Remo to answer. For me, exactly what Salman said, I see myself, ki main kya kar raha hoon, mujhe kya theek karna hai. As far as competition, I don't think, kyunki mere field mein, mere saath Prabhu sir hain, jinko pehli baar main ja gaya tha milne. और मैंने कहा मुझे फिल्म बनानी है एंड विद इन 3 मिनट्स इज द फिल्म वॉज डन देयर. एंड उसके बाद मेरी ही फिल्म में सरोज खान भी थी एंड गणेश आचार्य भी थे एंड ये सभी कोरियोग्राफर्स हैं जितने भी बैठे हैं खुद एक कोरियोग्राफर्स हैं. तो पूरी फिल्म जो है वो कोरियोग्राफर्स की फिल्म है. तो कॉम्पिटिशन मुझे नहीं लगता है कि इतना है मेरे लिए. बट साथ में काम करते हैं हमारा मेरा एक अलग अंदाज है काम करने का. सर का एक अलग है. जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनका अपना एक अलग अलग तरीका है. सो कंपटीशन कंपटीशन नहीं है मेरे लिए. प्रभु गारु मिम्मल्नि मेमु प्रेमकुडु नुंचि चूस्तुन्नाम. सो अप्पटि नुंचि इप्पुडु वरकु असलु चूस्ते मी स्टेप्स कानी मी स्टाइल मीरु प्रति ओक याक्टर नि प्रति ओक हीरोइन नि डांस चेपिंचारु स्पेशली फ्रम माधुरी दीक्षित टू श्रद्धा कपूर. चूस्ते प्रति हीरोइन लो उन्न आ స్పెషల్ ఏమంటారు ఫీచర్స్ మీరు బయటికి తీసుకొస్తారు ఏంటి దాని మీద ఏమైనా స్టడీ చేశారా? ఇట్లా శ్రద్ధా కపూర్ నేను చేయలేదు ఈ ఫిలింలో. నేను ఎప్పుడు మాధురి సోనాక్షి కొరియోగ్రఫీ అదే పని కదా మనకి అదే కదా చేస్తాం. ఏంటి అంటే డూ వి సీ యూ లైక్ ప్రేమికుడు 2 కూడా వస్తుందా? వేరే ఎవరితోనే చేస్తే బెటర్. విల్ టేక్ ది ఫైనల్ 2 క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. हाय एवरीवन आई एम चक्कू फ्रॉम एनटीवी एंटरटेनमेंट. सो इसमें एक गाना मिले सुर मेरा वाला रिक्रिएट हुआ है. सो हुज आइडिया वाज दैट एक्चुअली?
ये प्रोड्यूसर का आइडिया था और एक गाना चाहिए था हमको और ABCD 1 में गणपति था, ABCD 2 में वंदे मातरम था। तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी इस गणपति भी भगवान भी हो गया, देश भी हो गया, अब इसके ऊपर कहाँ जाएंगे हम, कौन सा गाना करेंगे के मिल नहीं रहा था। तो एक्चुअली लिजल, मैं, सचिन जिगर, लिजल हम लोग से बैठे थे तो इन्होंने सजेस्ट किया मिले सुन मेरा। तो पहले बार तो हमको ऐसा लगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं होएगा। लेकिन जब इन्होंने जब सचिन जिगर ने बनाया और जब हम सब ने सुना तो या तो ओके सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर टू प्रभुदेवा गारु सर सर प्रभुदेवा गारु यस यस మీరు ఆల్రెడీ ముఖాల ముఖాబ్లా స్వాగం ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు ప్రేమికుడు సారీ వేరే సినిమాలో అండ్ ప్రేమికుడు సో అర్థమైంది సార్ ఐమ్ సారీ సో యాక్చువల్లీ ఫుల్ ఫేమస్ అయిపోయింది చాలామంది యంగ్ డాన్సర్స్ ఎవరైతే ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారో కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారో ఆ సాంగ్ నుంచి నేర్చుకుని బయటకు వస్తున్నారు సో ఈ టైంలో ఆ సాంగ్ మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయడానికి మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి చాలామంది కొత్త స్టెప్స్తో వస్తున్నారు ఇదే నేను చెప్పాను వినలేదు చేయాలి సార్ అన్నారు చేశారు ఓకే సార్ ఐ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు యూ సార్ సో మెనీ యంగ్ ఆస్పైరింగ్ డాన్సర్స్ హూ కమ్ టు దిస్ కొరియోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ద డాన్సింగ్ థింగ్ సో మెనీ పీపుల్ దే యాక్చువల్లీ లర్న్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఫ్రమ్ దట్ సాంగ్ డో ఉస్మే పర్ఫార్మ్ కర్తే ఉస్కే ఉపర్ తో ఏ మూవీ మే ఓ వాలా సాంగ్ లగానే కే ఉపర్ ఆప్కో కిత్నా ట్రై కర్నా పడా మత్లబ్ నయా న్యూ స్టెప్స్ క్రియేట్ కర్నే కే లియే క్యూంకి ఉస్సే భీ ఉపర్ చాయే క్యూంకి దట్ వాజ్ అ మైండ్ బ్లోయింగ్ థింగ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ టు దిస్ టైమ్ సో యెస్ ఆఫ్ కోర్స్ ముష్కిల్ థా లేకిన్ మే యాక్చువల్లీ బచ్ గయా క్యూంకి ఉస్ గానే మే జో జిన్హోనే డాన్స్ కియా థా వో ప్రభుదేవా థే ఔర్ వహీ ప్రభుదేవా మేరే పాస్ థే తో మే ఉస్ వజహ సే మే బచ్ గయా క్యూంకి మేరే పాస్ సేమ్ ఇన్సాన్ థా ఇస్ గానే కే లియే తో లేకిన్ एक हल्का सा टच मुझे चाहिए था और जब मुझे ये गाना करने को मिला तो ऑफ कोर्स एक हल्का सा मेरा टच है उसमें लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जो ओरिजिनल है उसको बिल्कुल नहीं किया वो छेड़ा नहीं मैंने वैसे ही रखा हुआ है क्लाइम जो एंड का जो फेमस स्टेप है वो और जो इनविजिबल होते हैं वो वाला लेकिन हल्का सा एक टच मेरा है अदरवाइज मैंने ओरिजिनल को बिल्कुल छेड़ा नहीं मैंने बहुत सारे हैं यार अभी हमने एक्चुअली पर्टिकुलर गिना नहीं है लेकिन ऑल द स्ट्रीट स्टाइल्स आर देयर सो बेसिकली यू कैन से कि दिस इज एन अ स्ट्रीट डांसिंग फॉर्म ऑफ मूवी कैन वी से या यू कैन बिकॉज देयर आर ऑल नॉट ओनली इंडियन डांसर्स बट वी हैव ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब जर्मनी सबसे स्ट्रीट डांसर्स के सारी बैटल हो रहा है अंडरग्राउंड है तो वो जो स्ट्रीट डांसिंग होता है वही है इफ यू आर आस्किंग फॉर एक्चुअल जॉनर्स All the genres, whether it's popping, locking, breaking, top rock, crumping, underground, mein jitna hota hai na, not only in India, but all around the world. So Ramosa and his entire team managed to ask for people who work underground all around the world. So they all came in together under one roof and we had the blast of our life because it's a dream come true that it's like a collaboration of all the underground battle champions to come together under one roof. So it was like a full on game on experience for all of us. Thank you so much.